मॉर्निंग क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फिफ्थ चैप्टर, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ओके, सो नाउन क्या होते हैं जो आपने पढ़ा है? नेम, प्लेस एंड एनिमल एंड थिंग, ठीक है, जो उनका नाम बताते हैं और नाम बताते हैं, राइट? नेम, प्लेस एंड एनिमल थिंग का। ओके, नाउ देखिए यहाँ पैराग्राफ है। अब इसमें हम क्या ढूंढेंगे? कॉमन और प्रॉपर नाउन। हम लोग कॉमन और प्रॉपर नाउन इन एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। अब देखिए, लुक एट द पिक्चर, रीड इट, इट्स डिस्क्रिप्शन। नाउ सुनीता इज सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ पार्क, ठीक है। शी इज रीडिंग अ बुक। हर ब्रदर अभय इज वेटिंग फॉर समवन। ओके, नाउ चुमू द मंकी is hanging from the tree. He wants to know what the girl is doing. Snowy is playing with a ball twice his size. Maybe Chomu should go and play a game with him. Okay, now, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है पूरा description? ये सुनीता bench बैठी है, वो book read कर रही है, अभी किसी का wait कर रहा है। चोमू मंकी है, वो क्या पेड़ पे लटका हुआ है, देख रहा है कि गर्ल क्या कर रही है। ना जो स्नोही है वो अपने साइज से डबल डबल साइज की बॉल से वो खेल रहा है, और चोमू है वो सोच रहा है कि मैं उसके साथ जाऊं और खेलूं। ओके, नाउ अब आपको दिख रहा है यहाँ पे सारे क्या है, कुछ अंडरलाइन करे और कुछ रेड में सर्कल करे हुए। तो जो अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स है वो कैसे है? प्रॉपर नाउन है। और जो सर्कल करे हुए वर्ड्स हैं वो क्या है? कॉमन नाउन है। तो पहले तो आपको बताते हैं कॉमन और प्रॉपर में क्या डिफरेंस होता है। कॉमन नाउन वो होते हैं जो सबके लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे आपकी मम्मा, आप, आपकी फादर, तीनों साथ में खड़े हैं तो आप उनके लिए क्या है कॉमन वर्ड यूज कर सकते हो कि वो क्या है? पीपल है, ठीक है। आप पीपल तो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, तो वो क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। जो गर्ल गर्ल के लिए आप कॉमन नाउन क्या यूज करते हो? गर्ल करते हो, लेकिन अगर उसका नाम सुनीता है, रमा है, रानी है, रेखा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब बेंच है, बेंच क्या है? लकड़ी की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, तो लेकिन अगर बेंच है तो वो क्या होगी? कॉमन नाउन होगी, ठीक है। लेकिन अगर वुडन बेंच लिखा होता तो वो क्या होता? प्रॉपर नाउन होता। अब पार्क है, जैसे अपने अलवर में क्या है? कंपनी गार्डन है, नेहरू गार्डन है, राइट? तो अगर मैं बोलती कंपनी गार्डन तो वो क्या होता? आपका प्रॉपर नाउन होता। लेकिन अगर मैंने क्या बोला? सिर्फ गार्डन, तो वो क्या होगा? आपका कॉमन नाउन होगा। अब यहाँ पे बुक है, अब बुक तो कोई भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, स्टोरी बुक भी हो सकती है, तो ये बुक का क्या होगा? आपका कॉमन। जो कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सब जगह पे कॉमन होता है, मतलब सेम होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? कॉमन। अब बुक तो सारी सेम होती हैं, कोई भी बुक हो सकती है, हमने ये थोड़ा ना लिखा है मैथ्स की बुक है, नहीं ना, तो ये क्या हुआ? आपका कॉमन नाउन हुआ। ब्रदर, ब्रदर कोई भी हो सकता है, तो वो क्या हुआ? आपका कॉमन हुआ। लेकिन अभय क्या है? अभय उसके ब्रदर का नाम है, तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। नाउ चोमू क्या है? मंकी का नाम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। नाउ मंकी तो कोई भी हो सकता है, तो मंकी क्या हुआ? कॉमन हुआ। ट्री भी कोई भी हो सकता है, पीपल का हो सकता है, नीम का हो सकता है, लेमन हो सकता है, तो वो क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। गर्ल भी कोई भी हो सकती है, सुनीता है जैसे, क्या पता सोना, रीना जो भी है वो भी होती, तो क्या है? कॉमन हुआ। स्नोही क्या है? डॉग का नाम है, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर हुआ। बॉल कोई भी हो सकती है, कोई सी भी किसी भी कलर की हो सकती है, तो वो क्या हुआ? कॉमन हुआ। गेम कुछ भी हो सकता है, कैच कैच हो सकता है, बैट बॉल हो सकता है, क्रिकेट है, कुछ भी है, तो वो क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। नाउ कम टू द पैराग्राफ। द वर्ड्स दैट आर सर्कल वो क्या है? कॉमन नाउन है, बिकॉज दे आर कॉमन नेम्स गिवन टू पीपल, प्लेस एंड एनिमल थिंग। तो ये क्या है? पीपल, प्लेस और एनिमल थिंग को एक कॉमन नाम दिया गया। जैसे पीपल है
उसे क्या दिया गया, गर्ल बॉय राइट, प्लेस है, उसको क्या दिया हुआ, पार्क है राइट, नाउ थिंग, उसको क्या दिया हुआ है, थिंग में क्या आएगा, बॉल है राइट, बुक है, बेंच है राइट। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, बेंच कोई भी बेंच हो सकती है, पार्क कोई भी पार्क हो सकता है, बुक एनी बुक, ब्रदर एनी ब्रदर, मंकी एनी मंकी, ट्री एनी ट्री, गर्ल एनी गर्ल, बॉल एनी बॉल, एंड गेम एनी गेम। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, नोट दैट द कॉमन नेम, कॉमन नाउन्स डू नॉट ब्रिंग विद बिगिन विद कैपिटल लेटर अनलेस दे आर इन बिगनिंग। तो कभी भी कॉमन नेम्स के नाउन्स क्या होते हैं, वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते, अगर अनलेस वो कहाँ पे लिखे हो, स्टार्ट लेटर के आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखे हो। ओके, नाउ द वर्ड्स दैट आर अंडरलाइन आर प्रॉपर नाउन्स बिकॉज देयर नेम इज अ स्पेसिफिक पर्सन। नाउ वो क्या करता है, अंडरलाइन है वो, क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम बता रहे हैं कि जो राम है वो मेरा भाई है। ठीक है, तो राम है उसका नाम, ठीक है, लेकिन भाई तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेरे मेरे मामा का भाई हो सकता है, मेरे बुआ का बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है।